आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने लेखन कौशल की प्रैक्टिस शुरू की हुई है, जिसमें हम लोग पत्र डिस्कस कर चुके हैं और हम संवाद कर चुके हैं। ओके, संवाद लेखन हो चुका है, पत्र लेखन हो चुका है, राइट। आज हम लोग नारा लेखन और संदेश लेखन करेंगे, राइट। नारा और संदेश। सबसे पहले हम लोग नारा लेखन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसके मुख्य बिंदु आप लोगों को भेजे थे कि नारा कैसे लिखा जाता है, भेजा था। ओके, सिर्फ एक थंब शो हुआ मुझे, बाकी भूल गए हैं शायद। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कब भेजा था। 6 जून को भेजा था मैंने। उसके बाद भी कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं और उसके बाद क्लास में भी हमने बहुत बार डिस्कशन की थी। उसके जो मुख्य बिंदु हैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि जब भी आप राइटिंग स्किल करते हैं ना, आप पत्र करते हैं, पता चलता है कि ये पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। आप अनुच्छेद लिखते हैं, पता चलता है कि अनुच्छेद लिखा हुआ है। नारा 2-4 पंक्तियों में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके ऊपर हेडिंग लिखना है, नारा। नारा लेखन सबसे पहले तो हेडिंग से हमको लिखना होगा, नारा लेखन, राइट। उसके बाद मैंने एक बार बात करी थी कि इसे कॉमा में लिखना, ठीक है। अगर वो तो एक ही लाइन में है तो ये खत्म हो गया, कॉमास डाल दिए। अगर 2 लाइन्स में लिखना है या 4 में लिखना है, आपने कॉमा डाला, शुरू किया लिखना, खत्म हुआ, कॉमा पूर्ण, ठीक है। ये है जब आप किसी की कही हुई बात, किसी के दिए हुए नारे को जब आप लिखते हैं तो डबल कॉमा। जब आप पानी बचाओ, धरती बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे वाले जब आप लिखेंगे तो सिंगल कॉमा। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबसे पहले ऊपर हेडिंग जरूर लिखना है। देव हमारी क्लास में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? देव को कंप्यूटर क्लास में जाना है। ओके, चलिए। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखा, हेडिंग के बाद जब आप लिखेंगे तो आप कॉमास में जरूर लिखें, राइट। उसके बाद आप लोगों से मैंने कहा था कि जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो पढ़ने में अच्छे लगे, लिखने में भी आपके लिए आसान हो, ठीक है। और नारे के लिए तुकबंदी होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, ठीक है। रिदमिक वर्ड्स होने चाहिए हिंदू से। आप लोगों ने रिदमिक वर्ड्स किए हुए हैं इंग्लिश में, आपको पता है रिदमिक वर्ड्स क्या होते हैं, वो होने चाहिए। जैसे आप कविता में लिखते हैं रिदमिक कविता होती है, ठीक है। उसके बाद 2 या 4 पंक्तियों में नारा लिखा जाना चाहिए, 2 से 4 पंक्तियों में। क्लियर? 2 से 4 पंक्तियां होनी चाहिए, राइट।
यानी कि नारा बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का दिया हुआ नारा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, ठीक है, उन्होंने नारा दिया दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है। लेकिन जब हम नारा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट टू लाइन्स तो होनी चाहिए, एक ही लाइन में खत्म नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद नारे के साथ आप लोगों ने पिक्चर नहीं बनानी है, कोई बॉक्स नहीं बनाना, कोई पिक्चर नहीं बनानी, नो पिक्चर, नारे के साथ पिक्चर नहीं बनानी, राइट। नेक्स्ट जो बात है कि आपने पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना। हम सारा पेपर पेन से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने नारा भी पेन से ही लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना, क्लियर। ये बातें क्लियर हुई कुछ, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ हेडिंग्स दे रही हूँ आप लोगों को, और दूसरी बात कि इसमें भी जो मैंने आपको राइटिंग स्किल के रूब्रिक्स बताए थे, वो रूब्रिक्स इसमें भी चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मैंने आपको बताया था फॉर्मेट रातू, अब इसका फॉर्मेट क्या है, कॉमास लगे होने चाहिए, टू लाइंस में होना चाहिए, टू फोर लाइंस में, ओके। उसके बाद कंटेंट विषय टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो विषय है कंटेंट जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ओके। स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है, गलत नहीं होने चाहिए। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपने तुकबंदी करनी है वो यहाँ पर काउंट होगी बात, ओके। उसके बाद लैंग्वेज, यानी कि भाषा, अंग्रेजी या पंजाबी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्लियर। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन या आपने प्रेजेंट कैसे किया है, दो अलग अलग लिखे तो एक भी तो नहीं लिखती है, दो अलग अलग करके लिखी है या नहीं लिखी है। हैंड राइटिंग भी प्रेजेंटेशन में आती है, क्लियर। शब्दावली, वोकैबुलरी, ये सब चीजें मैंने आपको एक ही दिन में बताई थी कि जो भी हम राइटिंग स्किल करते हैं उसमें हर राइटिंग स्किल में ये रूब्रिक्स गिने ही जाते हैं, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग स्किल ये रूब्रिक्स हर जगह यूज होंगे, ओके। चलिए कुछ टॉपिक्स दे रही हूँ, नोट करो। पर्यावरण हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक्स नोट करो। वृक्षारोपण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंदी दिवस, नशा मुक्ति,
चुनाव प्रचार, आजकल इलेक्शन के ढेर है ना, चुनाव प्रचार कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, पता है आप लोगों को? किस किस को पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है? डू यू नो? ओके, ईवा, रमनीक, बाकी आर्यन, अनिका, बाकी लोग भी थोड़ा अपने आप को अपडेट रखा करो, ठीक है? ये टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड हम लोग नारा लेखन डिस्कस करेंगे। अपनी पसंद के तीन विषय चुनकर कोई दो दो नारा जल्दी से लिखो, जिसको एक एक भी समझ में आ रहा है कुछ भी हो रहा है साथ साथ हम डिस्कस करते जाइए। अपनी पसंद के कोई भी तीन, नोट सारे करने हैं पर अपनी पसंद के कोई भी तीन टॉपिक्स लेकर के दो दो नारे उस पर आपने लिखने हैं। हैंड रेज करने शुरू कर दो अगर आपने कोई एक टॉपिक चुन लिया, एक नारा तैयार कर लिया तो। साइड बाय साइड हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। ओके, सबकी टर्न आनी चाहिए, मजा आएगा। सब लोग अपने अपने नारा लेखन, अपने अपने नारे बताएंगे। ओके, यस रमनी। यस मैम, मेरा टॉपिक है पर्यावरण रक्षण और नारा पर्यावरण का करो संरक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। पर्यावरण का करो रक्षण, रमनीक दोबारा, पर्यावरण का करो रक्षण। यस मैम, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। ओके, पर्यावरण का करो रक्षण, नहीं तो प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भक्षण। भक्षण की ये स्पेलिंग है। ओके, नेक्स्ट। हां जी पनिका मैम, माय टॉपिक इज स्वच्छता। हम सबका यही नारा, स्वच्छ हो देश हमारा। ओके, हम सबका यही नारा, स्वच्छ हो देश हमारा। ओके, नेक्स्ट, रेज योर हैंड क्विकली, आई एम वेटिंग। ओके, यस इवा। मैम मेरा टॉपिक है पर्यावरण रक्षण। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। वेरी गुड, नेक्स्ट, रेज योर हैंड। ओके, गुड हरमीत। हां जी मैम, मेरा टॉपिक है शिक्षा। मैम मेरा टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा जीवन का है आधार, इसके बिना है जीवन बेकार। ओके, शिक्षा है जीवन का आधार, इसके बिना है जीवन बेकार। ओके, नेक्स्ट, रेज योर हैंड। चलिए चलिए जल्दी, हमने डिस्कस कर लिया पर्यावरण रक्षण। हम लोग इसमें बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलते जा रहे हैं, जिस पर आप एक बार उसको टिक कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। जो हम डिस्कस कर चुके हैं आप उस पर भी बता सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कुछ और टॉपिक चुनने की। हाँ जी मनिका। मैम स्वास्थ्य है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। ओके, स्वास्थ्य है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल, पर हम थोड़ा कुछ और अच्छा बना सकते हैं मनिका। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। ओके, यस आर्यन। मैम मेरा टॉपिक चुनाव प्रचार। लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा त्योहार, नहीं होना चाहिए दारू नेताओं का हथियार। लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा, लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा। शिक्षा मनिका, वेट, आर्यन दोबारा बोलिए बेटा एक बार। मैम लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा त्योहार, दारू पैसा नहीं होना चाहिए उन नेताओं का हथियार। ओके,
यस गुड, लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा त्योहार, पैसा नहीं होना चाहिए नेताओं का हथियार। नोट डाउन एवरीबॉडी, गुड। जो आपने पहला शब्द बोला था आर्यन, हमने वो शब्द डिलीट कर दिया है, हम नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, ठीक है। लोकतंत्र का है ये सबसे बड़ा त्योहार, पैसा नहीं होना चाहिए नेताओं का हथियार। गुड, ओके, यस ईवा। मैम स्वच्छता का है, स्वच्छता का, स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ। स्वच्छता का कर्म अपनाओ, इसे अपना धर्म बनाओ। ओके गुड, यस अर्शप्रीत। मैम वृक्षारोपण, वृक्षारोपण है प्रकृति का मान, आओ पेड़ लगाकर करें इसका सम्मान। ओके, वृक्षारोपण है पृथ्वी का मान, मान आओ वृक्ष आओ इसका सम्मान, सम्मान। ओके गुड, ओके नेक्स्ट, और कौन बताएगा? एनीबडी एल्स? ओके यस पनिका, पनिका यस पनिका। मैम नशा मुक्ति, कुछ पल का नशा उम्र की सजा। दोबारा बोलिए प्लीज। कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा, कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा, सजा। ओके हम और भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। ओके हाँ जी योग, नशे की आदत छोड़ो, सुखी जीवन, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। गुड, नशे की आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। ओके हाँ जी रमनीक। यस मैम, नशा छुड़ाओ, भारत को उज्जवल बनाओ। उज्जवल के पहले कोई बताएगा मुझे? उज्जवल, ईवा बताओगी उज्जवल के स्पेलिंग्स? ओके आर्यन, आर्यन बताइए। उ आधा ज पूरा ज ल, उ आधा ज पूरा ज व ल। यस मैम, ये गलत है, मैंने इसीलिए। यस मैम, गलत है। उज्जवल दोनों बार आधा जो, उज्जवल। ओके जैसे प्रज्वलित दोनों बार आधा ज, नोट कर लेना इसको। ओके हिंदी दिवस पर किसी ने नहीं बोला, हिंदी दिवस पर बताओ। यस इवा, यस मैम, सारे राष्ट्र से एक सूत में, सारे राष्ट्र को एक सूत में पिरोने की अभिलाषा है, ये मेरी हिंदी भाषा है, ये मेरी हिंदी भाषा है, ये मेरी हिंदी भाषा है। दो बार में लिखेंगे वो, आप okay, जब सबका रिसाइट करते हैं, जब बोलते हैं तब आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। सारे देश को एक सूत्र में बांधने की अभिलाषा है, ऐसे सूत्र, सूत्र का मतलब होता है धागा, ठीक है। सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की अभिलाषा है, ये मेरी हिंदी भाषा है। क्लियर? ओके सड़क सुरक्षा, इस पर बताओ मुझे। सड़क सुरक्षा, हाँ जी आर्यन बताना था हिंदी दिवस पर।
ओके हिंदी दिवस ओके अ आ ई ओ हिंदी को मत भुलाओ ठीक है पर हम कुछ और थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं दो लाइंस ठीक है सड़क सुरक्षा पर कोई बोलेगा Anybody? No? Okay. हाँ जी यो ना जाना इतनी रफ्तार में कि नाम आए अखबार में ना जाना इतनी रफ्तार में कि नाम आए अखबार में ओके गुड यातायात नियमों का ज्ञान हमको देता जीवन दान ओके हाँ जी रमनीक स्पीड पर लगाम दुर्घटना पर विराम समझ में नहीं आया बेटा मैम स्पीड पर लगाम दुर्घटना पर विराम स्पीड पर लगाम दुर्घटना पर विराम अब स्पीड कौन सी भाषा का शब्द है किस भाषा का शब्द इंग्लिश तो हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं गति गति पर विराम गति पर लगाम दुर्घटना पर विराम ठीक है चलो इज इट क्लियर अब सबको पता चला कि हमने नारा लेखन कैसे करना है तो प्लीज इसकी गड़बड़ मत कीजिएगा ओके एग्जाम्स में गड़बड़ मत कीजिएगा बेटा राइट ओके